हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे रियलमी 8i के बारे में। दोस्तों रियलमी 8i में जो रियलमी 3.0 एंड्रॉइड 12 की स्टेबल अपडेट है वो हमें जुलाई मंथ के पहले दिन में ही देखने को मिल गया था। और दोस्तों जो अपडेट है आज के डेट में जुलाई मंथ में एक और अपडेट रियलमी 8i में रोल आउट हो चुका है। और इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है सब कुछ बात करेंगे। और दोस्तों जो ऑफिशियली रोल आउट है कब जाके आपके फ़ोन में देखने को मिलेगा वो भी बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करके रखना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो अपडेट है जुलाई 2022 सेकंड अपडेट है रियलमी 8i के अंदर। दोस्तों काफ़ी सारे डिवाइस के अंदर रियलमी 3.0 एंड 12 के जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को नहीं मिला है अभी तक काफ़ी सारे 8i यूजर्स को। दोस्तों उन लोगों के लिए एक और न्यूज़ है इस अपडेट के साथ। दोस्तों ये अपडेट है आज की डेट में रोल आउट हुआ है आपके फ़ोन में, अगर आज देखने को नहीं मिला तो डरने की कोई बात नहीं है, आगे जाके अंडर 15 डेज आपके फ़ोन में ज़रूर देखने को मिल जाएगा ये जो अपडेट है। और ये जो अपडेट है आप ये से कर भी सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्या है इस अपडेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। पहले जो अपडेट है आपको देखने को मिलता है वर्षन जो है इसका यू वर्षन वो है RMX 3151 11A.46 वर्षन। सिक्योरिटी के अंदर आपको जून 2022 का लेटेस्ट एंड्रेड का सिक्योरिटी पैस देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले मंथ में मतलब इस मंथ में एक और अपडेट आया था इससे पहले वो आपको जून मंथ का सिक्योरिटी पैस देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जून मंथ का सिक्योरिटी पैस इंक्लूड किया गया इस अपडेट के साथ। दोस्तों अगर बात करें तो जून मंथ का सिक्योरिटी पैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के फ़ोन में अभी तक रियलमी 3.0 एंड 12 का अपडेट देखने को नहीं मिला उन लोगों के लिए ये अपडेट रियलमी ने रोल आउट कर दिया है। मतलब ये जो अपडेट है रियलमी 2.0 एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके है, नॉट है रियलमी 3.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट, ठीक है। आप लोग को स्टेबल अपडेट के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। आई थिंक इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में शायद स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दे रियलमी की तरफ से, तो इसलिए OTA अपडेट इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों को मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में, हर एक स्टेबल अपडेट के वीडियो में कि OTA अपडेट कितना इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक बेटा अपडेट में मैं आपको बता देता हूँ कि OTA अपडेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि OTA अपडेट के बाद ही आपके फ़ोन में स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिलता है। जो रिक्वायर्ड वर्जन रहता है वो OTA थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए वेला वर्जन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर जिन लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिला अभी तक रियलमी 3.0 एंड्रॉइड 12 का उन लोगों के लिए ये वाला अपडेट रियलमी ने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, समझ सकते हो। बट ये भी एक मतलब नेगेटिव थिंग है रियलमी की तरफ से कि अभी तक जो डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 12 अपडेट देखने को नहीं मिला उन्हें रियलमी क्यों यहाँ पे स्टेबल अपडेट प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम है रियलमी की तरफ से। 8i के बहुत सारे डिवाइस में यहाँ पे स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया बट फिर भी यहाँ पे क्यों रियलमी 8i में इस तरह का मतलब अपडेट्स आ रहे हैं अभी भी 2.0 का, ये समझ के परे है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे रियलमी का आपका क्या फीडबैक होगा ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। मैं मतलब आपके साथ एक और नेवरी के साथ, तब तक के लिए टाटा।